नमस्कार, मैं सुनील शर्मा जीके फर्स्ट न्यूज़ से। मैं आज जहाँ पे आया हूँ मुझे बलवाल है, और मैं आपको आपको जिनके साथ मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने एक उभरते हुए पॉलिटिशियन है, उनका नाम इकबाल मोहम्मद खान है, जिन्होंने अभी रिसेंटली थोड़े दिन कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस मुद्दों को लेके और क्यों पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सुनील जी। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि जेके फर्स्ट न्यूज़ चैनल है आपका, और आपके मैंने काफ़ी सारे पहले भी इंटरव्यू सुने हैं, काफ़ी सारे लोगों के आपने इंटरव्यू लिए हैं, तो थैंक यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि आपने क्या सोच रख के इस पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, पर हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। देखिए सुनील जी, मैं तो अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। नाम मेरा इकबाल मोहम्मद खान है, और मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ कांग्रेस में, काफ़ी सपोर्ट किया हमने उनकी, चाना बिछाना उनके साथ चले हैं। और जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, निर्णय इसलिए लिया कि क्योंकि पहले तो हमारी स्टेट थी, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टेट कन्वर्ट हो गई यूटी में। चलो वो भी, चलो एडमिनिस्ट्रेशन की जो थी उसमें सिस्टम था उनका, उन्होंने इसको इस लाइक समझा तो यूटी में ले आए हमें। यूटी इज़ इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोग कुछ होते हैं कि हम यूटी में आ गए। यूटी में क्या है, बहुत सारी बंदिशें होती है, बहुत सारे फाउंडेशन है उसमें, और यूटी एक वो सिस्टम होता है कि जो ड्रग सेंटर के साथ उसका टाइप रहता है। तो अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमारे इस इलाके में, क्योंकि मैं कोट बलवाल का रहने वाला हूँ, यहाँ बहुत बड़ी हमारी एक रैपर दुमाना कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले कांग्रेस के एमएलए रहे मुलाराम जी, और वो फिर कैबिनेट मंत्री बने सोशल वेलफेयर के, और उन्होंने भी यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि इतना डेवलपमेंट यहाँ पे उनके दौर में भी हुई। फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पे एमएलए हमारे रहे बीजेपी के श्री बाली भगत जी, फिर वो अपने इसमें मिनिस्टर रहे, वो हमारे हॉस्पिटल उनके अंडर आते थे, और मेडिकल लाइन के भी जितने भी सारे इक्विपमेंट जो भी होती थी वो सब उन्हीं की होती थी, तो वो भी मंत्री रहे, तो उनके उन्होंने भी नहीं यहाँ पे देखा। और बहुत सारी गवर्नमेंट यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले एमएलए थे हमारे सतपाल जी, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। तो मेरा इस सिस्टम को ज्वाइन करने का एक ही मकसद है, क्योंकि आजकल हर आदमी जो सोचता है अपने अपने तरीके से कि मेरे एरिया की डेवलपमेंट हो, और मैं भी उसी, एक मेरा भी एक मुद्दा है, उस मुद्दे पे मैं काम करूंगा। और मुद्दा मेरा यह है कि सबसे पहले मैं यहाँ की दुखित जो बात है हमारे इस एरिया की, यहाँ पे गारबेज एक डंपिंग सिस्टम बन गया है यहाँ पे कोट बलवाल में, नियर वासवरा डिग्री कॉलेज है वहाँ पे, सराउंडिंग में वहाँ उसके आपकी कॉलोनीज हैं काफ़ी सारी, और लोकल लोग भी यहाँ पे रहते हैं, वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। खाली ह्यूमन बींग सफ़र नहीं करते इससे, डंपिंग साइट में क्या होता है कि आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है कि एक डंपिंग साइट जहाँ पे गार्बेज आप डंप करते हो तो उससे क्या क्या होता है, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, उस लिहाज से मुझे पता है कि डंपिंग जहाँ पे की जाती है, गंदगी जहाँ पे ढेर लग जाता है, वहाँ पे अनेक किस्म की बीमारियाँ निकलती हैं, और अनेक किस्म के वहाँ पे जो बीज निकलती है, मक्खियाँ निकलती हैं, जब वो मक्खियाँ वहाँ से पैदा होती हैं, पनपती हैं, और जब वो निकल के बाहर जाती हैं, किसी के खाने पे बैठेंगी वो दूषित हो जाएगा, किसी मतलब कोई जख्मी कुत्ता है या जख्मी कोई मवेशी है, माल मवेशी, जब उस पर वो बैठेंगी तो उसका जो जहर है वो लेके जब वो उड़ेंगी, तरह तरह की गंदगी उससे फैलती है। और यहाँ पे दुखित बात यह है कि यहाँ बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रही यहाँ पे, और उन्होंने भी अपने एफर्ट्स किए होंगे अपने तरीके से, क्या पता उसमें क्या है, उनसे कुछ खामियाँ रही हों जहाँ उनके आगे सुनवाई ना होती हो, क्योंकि कहते हैं कि वोट की कीमत जो होती है इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए हम लोग एक नुमाइंदा चुनते हैं। और जब मैं इस पार्टी के अंदर आया, हमारी पार्टी का नाम है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, हमारे जो चेयरमैन हैं माननीय सज्जाद गनी लोन जी, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इसमें हमारे अब्दुल गनी वकील जी, और कल की मैं बात बताऊँ आपको, शायद आपको पता नहीं होगा, जहाँ आपको पता होगा क्योंकि पीडीपी में रहे हैं मुजफ्फर हुसैन बेग जी, वो मतलब एक फार्मर मिनिस्टर भी थे, फिर वो डिप्टी सीएम रहे, आज वो भी हमारी पार्टी के अंदर जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, और उनका हमसे मतलब हमें उनसे यही उम्मीदें हैं
कि वो एक अच्छा इस निज़ाम को बनाएंगे, अच्छा सिस्टम को बनाएंगे, सिस्टम को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और एजाज खान जी हैं, वो भी हमारी इस पार्टी में हैं, पुलिस से रिटायर हैं, वो काफ़ी सारे लोग हैं इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मैंने भी देखा कि मुझे भी एक शौक पैदा हुआ कि मैं भी थोड़ा सा इस पे इनिशिएटिव लूँ। और यहाँ पे क्या है कि आज जो यहाँ हमारे सराउंडिंग जितना भी आज सिस्टम है वो पूरा पैरालाइज हो चुका है। आपके माध्यम से, जेके फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं अपने जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज़ हैं, जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे आके, क्योंकि जम्मू शहर का जितना भी कचरा है, आपके मेडिकल कॉलेज का, आपके जो बड़े बड़े ऑफिस हैं वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर का जितना कचरा है, लोगों का लोकल जो कचरा है जो लोग खा के बाहर फेंक देते हैं, वो भी पूरा गाड़ियों में भर के, रोज़ की 120-130 गाड़ी हमारे कोर्ट बलवाल में आ रही है गार्बेज लेके, कचरा लेके। और मेरी एलजी साहब से, मनोज सिन्हा जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को मेरा एक मैसेज आपके माध्यम से, और जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उनको भी मेरा एक मैसेज है कि इस सिस्टम में, इस मुहिम में आप भी जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, और पढ़े लिखे आदमी के तौर तरीके से हमें, जब हम स्कूल में जाते थे, जब हम स्कूल में, हम छोटे छोटे, हमें पता है जब पीटीआई हमारा चेक करते थे, वो नेल चेक करते थे, हमारे टीथ चेक करते थे, हमारी पूरी बॉडी चेक करते थे, बाल कटवाए हैं नहीं कटवाए, दिस इज द सिस्टम ऑफ सैनिटाइजेशन। तो ये सैनिटाइजेशन इसको कहा जाता है। कहते हैं कि सफाई है जहाँ, जिंदगी है वहाँ, गंदगी है यहाँ वहाँ, कभी जिंदगी नहीं हो सकती। तो जम्मू शहर का जितना भी कचरा है वो आज सारा यहाँ पे डंप किया जा रहा है बाय फोर्सली। हम भी पिछले कुछ सालों में हमने भी इसमें थोड़ा एहतजाज किया था, इसमें हमने भी प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ के सरपंच जी हैं रायदेव सिंह जी, वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एफर्ट्स किए, पंच थे, सरपंच थे, मिश्रीवाला के सरपंच थे, आपके रायपुर के थे, नारदनी के थे, आपके घोर ग्रोटा के थे, अम्ब के थे, उन्होंने भी एफर्ट्स किए। अब वजूहत क्या रही उसमें, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। अगर इतने लोगों ने एफर्ट्स किया, इतना प्रोटेस्ट किया, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? मेरा एक था, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का मतलब था कि गंदगी को साफ करना। पर जहां तक हमने देखा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाँव का वातावरण, सिटी से वातावरण से काफी अच्छा होता है शहरों से, पर आज इस गंदगी की वजह से आपको क्या लगता है, ये स्वच्छ भारत अभियान का नाम चेंज करके कुछ और नहीं रखना चाहिए? क्योंकि शहर की गंदगी जितनी भी है वो एक ग्रामीण इलाके में आके फेंकी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी से भी यही एक मेरी अपील है कि आप भी एक नुमाइंदा चुनेंगे हिंदुस्तान के अंदर हमें। मैं खुशकिस्मत हूँ, आई एम ए वेरी लकी मैन के मैं इंडिया में पैदा हुआ, मैं एक बींग ए हिंदुस्तानी में कह रहा हूँ। मेरी भी उनसे, प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि जैसे आपने एक संकल्प उठाया था, एक मिशन था उनका भी कि स्वच्छ भारत बनाएंगे, वो स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को तंग करके, जिन लोगों ने आपको चुना, जिन लोगों ने आपको एक नुमाइंदा बनाया, क्योंकि वोट की जो वैल्यू है ना, वो सर वोट की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम लोगों को मिसयूज़ किया जाता है, हम लोगों से वोट लिए जाते हैं झूठ बोल के, और जब वो वोट हम कास्ट कर देते हैं तो हम लोगों को ये भी पता नहीं होता कि जो हम वोट कास्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं अपनी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर, मेरी यूटी के अंदर, मैं सबको यही एक अपील करना चाहता हूं कि जैसे आप स्वच्छ भारत की बात करते हो, स्वच्छ भारत का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान को गंदगी मुक्त करना हमने, यानी कि अगर आज मैं घर में, आप मेरे घर पे बैठे हो यहाँ पे, तो मेरा भी यही दायित्व बनता है कि मैं अपनी घर की जो गंदगी है, जो गंद मेरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो भी मैं कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, जहाँ उसको ऐसी जगह डाल दूं जहाँ पे कोई माल मवेशी, कोई आदमी वहां से गुजरता ना हो। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे से कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत का मतलब यही था कि हिंदुस्तान को कचरा मुक्त किया जाए। ये नहीं कि देखो आज इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 70 से 75% जो लोग हैं वो गांव में, देहात में रहते हैं, और देहात की ज़िंदगी एज कम्पेयर टू सिटी वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, क्योंकि सिटी वाले लोग भी आज देहात की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फसल है, हरियाली है। हरियाली से क्या होता है कि वो जितनी आपकी हरियाली रहेगी, इतने अट्रैक्शन होगी लोगों की। जब आप एक हरियाली को गंदा कर रहे हो, उसको दूषित कर रहे हो, वहां पे गार्बेज के डंपिंग कर रहे हो, और ओपन में,
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि डंपिंग इज इलीगल। डंपिंग क्या है, वो इलीगल है, शायद आपको भी इसका पता होगा। डंपिंग का मतलब क्या, इलीगल। अगर मैं अपने घर का कचरा उठा के मैं बाहर डाल दूं, दैट इज नॉट इलीगल, दैट इज इलीगल। तो आप यहाँ पे हम लोगों को एक रैपर दमाना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ बहुत सारे वोटर हैं, बहुत सारा यहाँ का सिस्टम है, और पूरे जम्मू शहर का कचरा उठा के, दुखद की बात है। अगर आप मुझे पूछते हो कि सर आप इस सिस्टम में क्यों आए, इस पॉलिटिक्स में क्यों आए, क्योंकि हम पहले भी थे, हम पहले भी चलते थे। पर क्या हुआ कि जिन लोगों को हमने नुमाइंदा बनाया, जिन लोगों को हमने चुना, वो लोग आज हमें दिखते तक नहीं। क्योंकि मैं किसी आलोचना करना चाहता यहाँ पे, जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, हमारे यहाँ पे तीन ही मुद्दे यहाँ के, बिजली है, पानी है और रास्ता है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो मेरे घर के अंदर ही आप आए तो आपने यहाँ का सिस्टम देख लिया, यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत सारी जगह पे गए होंगे, मैं खाली बलवाल ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे एरिया, आप कंगर में चले जाओ, ऊपर दादरोचा में चले जाओ, वहां का सिस्टम पैरालाइज हो चुका है। और ये जो मेरी फिर से अपील एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने एलजी साहब से, कि उनको अगर मेरी टीम ने चाहा, हमने चाहा, तो हम उनसे भी अप्रोच करेंगे, यहाँ तक मेरे से हो पाएगा, तो मैं ये भी एक स्टेप उठाऊंगा कि ये जो गार्बेज है इसको स्टॉप किया जाए यहाँ पे, और इसको जब भी आप कोई चीज डालते हो तो इसको वहां पे ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि वहां पे मशीनरी लगी हुई है, ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में आप उसकी डंपिंग कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है, वो एक खतरे की घंटी है, खाली इंसान के लिए नहीं, जितने भी जानवर है यहाँ पे, जितने माल मवेशी हैं, जितने बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनको भी ये खतरा है। और जो आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं ना, वो भी दूषित हो चुकी है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा साइंस का नॉलेज होगा कि जहां सॉयल होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर अगर गंदगी चली जाएगी, गंदगी जब उस मिट्टी के अंदर जाएगी, वो गंदगी जमीन के अंदर चली जाती है, जमीन के अंदर जब वो चली जाती है, वहां पे पानी होता है, वहां पर वाटर लेवल होता है, वो पोल्यूटेड हो जाता है। और जब आप उस वाटर से इरिगेशन करते हो या पंपिंग करके उसको बाहर निकालते हो, वो पानी पीने के योग्य नहीं रहता मेरे भाई। तो मेरी यही अपील है आपसे, आपके माध्यम से, जितने भी लोग आज मुझे इस बात को सुन रहे होंगे, तो मेरी उनसे यही अपील है कि सबसे पहले तो ये यहाँ का जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम सही हो जाए यहाँ का। और गार्बेज की जो बात आपने कही, मैं उसी पे दोबारा आ जाऊँगा, दोबारा उसी पे बात करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से रिमूव करवाना है, ये हमारा उद्देश्य है। जहाँ तो इसको पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जाए, पूरे तरीके से इसको बाउंड्री बाल करके आप अंदर ही गाड़ियाँ लगाओ, अंदर ही डालो, ओपन ओपन तरीके से इसको मत करो। और इससे क्या होगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये नहीं होगा, ये कैसे हो पाएगा। अभी दो तीन बाकी हैं यहाँ पे, मैं बता दूं आपको, हमारे जम्मू के ही हैं, जम्मू कश्मीर के ही हैं। देखो वाइन शॉप का मसला था, वो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, आज उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आप, ठीक है, उनकी बोली लगा रहे हो, बिड लगा रहे हो, भाई मतलब क्या बिड लगाने का। मैं कहता हूं कि शराब का धंधा बंद होना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि शराब पीने से इंसान का नुकसान होता है, इससे सेहत नहीं बनती। और सबसे रेवेन्यू, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अब हम इसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसके हम बोली लगाएंगे, बेड लगाएंगे, उससे क्या होगा, फिर और दुकानें खुलेंगी, आपके घर के बाहर दुकानें खुलेंगी, आपके चौराहे पे दुकान खुलेगी, आपके चप्पे चप्पे पे दुकानें खुलेंगी। तो भैया क्या होगा कि जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, जब वो नशे में पड़ जाएगी, नशे की लत लग जाएगी, तो हिंदुस्तान कभी विकास नहीं कर पाएगा, इंडिया फिर गुलाम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, बहुत सारे लोग बाहर से आ जाएंगे, तो फिर भी आज भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं गुलामी की, और फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है, मेरी उनसे भी एक अपील है कि आप इनकी बातों में मत आओ, आप इनके सिस्टम से दूर रहो, क्यों, क्योंकि शराब नोशी आज ड्रग का एक यहाँ पे माहौल बन चुका है, ड्रग अडिक्ट लोग हो चुके हैं आज, नौजवान लड़के 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 30 साल तक वो ड्रग अडिक्ट बन चुके हैं। उनको भी कंट्रोल करना है, उनको भी समझाना है कि भैया तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है पढ़ने लिखने का, क्यों, क्योंकि तुम हिंदुस्तान की, तुम इंडिया की बैकबोन हो, और जब देश की बैकबोन ही टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो वो कैसे खड़ा रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और एक चीज़ और, यहाँ पे अभी BSF में सिलेक्शन हुई लड़कों की, CISF में सिलेक्शन हुई, उनको भी एक लॉलीपॉप दिया गया, हमारे प्रेसिडेंट जो BJP के हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर रैना जी, मेरी उनसे भी अपील है कि आप अगर किसी से आप बात करते हो तो उनको आप उनके सिस्टम में खड़े उतरो, उनके साथ क्यों झूठ बोला जा रहा है, उनके साथ क्यों धोखा किया जा रहा है। और उन्हीं लड़कों ने जब भूख हड़ताल की, उनको उठा के आपने पुलिस कस्टडी में दे दिया, कैसे युवा आपके साथ जुड़ेगा।
जैसे कि आपने उनके उन्होंने कल जुगल हजा हमारे एमपी जुगल सर ने भी वहाँ पे कुछ स्पीच दी थी, पर आज जब मैंने उनका न्यूज़ सुनी तो वहाँ पे जो धरने पे लड़के बैठे हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने बैठे हैं, पर आज उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और जो बयान जुगल किशोर शर्मा जी ने एमपी हमारे रहे हैं जहाँ से, तो वो उनके बयान से भी कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ हमें एक झूठा आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 50 दिन से हम जहाँ 50 दिन से बैठे हुए हैं तब हमारी कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकती है पर वो नहीं कर रही। अब उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा आपको कि मैं भी न्यूज़ सुनता रहता हूँ, मैं भी रोज़ देखता हूँ उनका, बेचारे वो क्या करेंगे, युवा पीढ़ी है। अगर आप बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, हिंदुस्तान जो है ये बहुत सारी जातियों का एक मुल्क है, ठीक है, और भेदभाव इसमें है नहीं, कास्टिज्म इसमें है नहीं, कम्युनल बात इसमें तो है नहीं। अब युवा ही अगर आपको आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके हेडक्वार्टर पे वो बैठ के धरना दे रहे हैं, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? आप लोगों से क्यों धोखा कर रहे हो? मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर उनकी सिलेक्शन हुई है उनको दो ना जॉब। अगर आप सेंटर से फंड्स देते हो, पैसा देते हो, रोजगारी बेरोजगारी जो है उसको खत्म करने के लिए पैसा देते हो, तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। उनके साथ बेइंसाफी क्यों हो रही है? उनको आप बार बार उनको टॉर्चर कर रहे हो, बार बार उनको आश्वासन देते हो, फिर अपने आश्वासन पे आप एक बार बात करते हो तो बात करने बाद आप फिर उनके इंगेस्ट हो जाते हो। तो ऐसे निकाल, कल की न्यूज है सब्जी मंडी में जो 20-30 साल से बेचारे लोग हैंड टू माउथ हैं, वो सुबह कमाएंगे शाम को खाएंगे, तो उनको विदाउट नोटिस विदाउट आप इंटीमेशन आप उनको उठा रहे हो, बाय फोर्सली उठा रहे हो, पुलिस को साथ में रख के उठा रहे हो, तो ये कौन सा देश है? मैं कहता हूं कि हमसे तो वो मतलब वही हालत हो रही है, अंग्रेजों वाली हालत हो रही है, जैसे हजारों साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया, आज वही लग रहा है कि वही दौर आज हिंदुस्तान के अंदर दोबारा आ गया, इंडिया के अंदर वही माहौल दोबारा बन रहा है। आज वो लोग कहां जाएंगे? आज उनको भी आपने रोड पे खड़ा कर दिया, कैजुअल लेबरर हैं हमारे, पीएचई के हैं, पीडीडी के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, फ्लोरिकल्चर के हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आज कैजुअल लेबर पे आपने लगाए, आज उनका भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, जिनकी ओवरेज हो गए 60-60 साल हो गए उनको एक डिवीजन में काम करते हुए, पीएचई में उन्होंने काम किया, पीडीडी में काम किया, पीडब्ल्यूडी में काम किया, आज उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? मैं यही इसी बात का मुझे भी दुख होता है, जैसे सर आपने कहा मुझे कि आप इस पॉलिटिक्स में क्यों आए, तो पॉलिटिक्स कोई डर नहीं है इसमें आना, ये एक राइट है हर आदमी का, हिंदुस्तान के अंदर एक ही राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि तुम्हारे पास राइट है, तुम्हारे पास बोलने का राइट है, तुम बोल सकते हो उन लोगों के लिए जिन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, उन लोगों के लिए लड़ो जिनको जिसको पानी नहीं है उसके लिए अगर पानी का बंदोबस्त किया जाएगा ये हमारा राइट है, जिसको रोड नहीं अगर उसके लिए आप रोड के लिए काम करोगे तो ये हमारा राइट है। तो मैं कहता हूं कि आज से भी पहले हम रहते थे यहाँ पे इंडिया में, मेरी 41 ईयर एज हो गई है, हमने भी ऐसी क्राइसिस कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में जो आज हालात हिंदुस्तान के अंदर बन चुके हैं। तो मेरी आपसे यही एक आपके माध्यम से एक एलजी साहब को भी, जितना यूटी का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मेरी अपील है, और जो भी आज आपने मेरे से क्वेश्चन किए हैं बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका, कि मैं आपका मतलब जी जैसे कि आपने देखा होगा कि पंचायती राज में उसमें बात करते हैं डेवलपमेंट पे, 3-टायर सिस्टम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर जो इस चीज़ से पीछे है उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि 370 जब जहाँ से रिमूव की गई 35 आर्टिकल को, तो 3-टायर सिस्टम के ऊपर बीजेपी ने काम किया जहाँ पे, पर 3-टायर सिस्टम पहले पंचायत की इलेक्शंस तो ऑलरेडी होती थी जहाँ पे बीडीसी बने फिर डीडीसी बने, पर वो 3-टायर सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद भी आज तक ये यानी कि फाइनेंशियल में भी पहली बार हुआ होगा कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए जाएं तो बिल्कुल काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग अभी भी वैसे ही परेशान हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 3-टायर सिस्टम इन्होंने किया था जब यूटी बनी स्टेट के बाद, तो 370 जब टूटी, 35 टूटा, ऑटोनमी की बात होती थी कि जम्मू कश्मीर जो था, आप भी पढ़े लिखे हो, यहाँ पे 3-4 प्राइम मिनिस्टर पहले रहे, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया स्टेट में, फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ गए, जब जो स्टेट में कुछ देर रही फिर इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया, फिर लोगों को एक होप थी, एक आशा थी, उम्मीद थी कि चलो स्टेट में अगर हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, हमें जो ज़रूरतें थी हमारी पूरी नहीं हुई, तो क्या पता मोदी साहब हमें यूटी बना के देते, और बैक टू विलेज इतने सारे प्रोग्राम यहाँ पे हुए, और जब वो बैक टू विलेज यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे टीमें आई
गांव गांव में गई, उन लोगों ने, मुझे दुख होता है इस बात का कि उन लोगों ने वहां पे जाके क्या रिपोर्ट दी होगी। अगर आप थ्री टायर सिस्टम बना रहे हो, देखो एक चीज तोड़ के अगर आप घर बनाते हो मेरे भाई, तो आप एक घर तोड़ के उसको एक मॉडिफिकेशन करते हो, उसकी मॉडिफाई करते हो उस घर को, तो वो घर उससे बढ़िया होना चाहिए या उससे नॉर्मल होना चाहिए। तो जब एक घर ही आपने तबाह कर दिया, एक सिस्टम को आपने तोड़ के दोबारा सिस्टम तैयार किया, तो उस सिस्टम को तैयार करने के बाद वो सिस्टम बढ़िया लगना चाहिए। बैक टू विलेज जब प्रोग्राम यहाँ पे हुए, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो डेवलपमेंट तो जीरो है। आज आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी अदारे में चले जाओ, आप हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास चले जाओ, वो कहते हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं है। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, भैया मेरे को ये काम करना है, वो बोलेंगे मेरे पास फंड्स ही नहीं है। तो ये थ्री टायर सिस्टम मैं कहता हूँ ये फेलियर है। और जब आपने पंचायत इलेक्शन करवाई, पंचायत के जो इलेक्शन जब होती है, एक सरपंच आप बनाते हो, तो उसकी सरपंच की पावरें कहाँ गई? वो सरपंच भी हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, वो आज रो रहे हैं कि हमारी पावर्स कहाँ हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले DDC जिनको हमने हमने अपने लोगों ने काम के लिए चुना हुआ, वो खुद धरने पे बैठ गए वहां पे जाके अपनी सैलरी पैकेज को लेके, जबकि लोगों के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये स्वार्थी लोग हैं, ये खाली अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपने दुखड़े के लिए रो रहे हैं ये। हाँ, आदमी वो है जो अपने लिए नहीं मांगे, इनको अवाम के लिए मांगना चाहिए, इनको लोगों के लिए मांगना चाहिए। पर इनकी आवाज तो वहां पर जे थी कि हमें जे चाहिए, वो चाहिए, उसके बारे में उनका प्रोटोकॉल यही था कि हमारा क्या बनेगा, हमने इलेक्शन लड़ी है, हम जीते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा हुआ? यानी कि उनका था कि मेरी सैलरी कितनी बनेगी, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड कितने मिलेंगे, और मेरे को जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है? क्योंकि आज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी आदमी को बनाता है मेरे भाई, अगर आज ही हम लोगों को चुन रहे हैं, क्यों चुनते हैं? अपनी भलाई के लिए, अपने भले के लिए। तो दुख इसी बात का होता है, जैसे आपने पूछा कि वो आज सैलरी के लिए रो रहे हैं, वो लोगों के लिए नहीं रो रहे, वो डेवलपमेंट के लिए नहीं रो रहे कि भाई डेवलपमेंट के लिए रो लो यार। अगर मैं बलवाल में रहता हूँ तो इस बलवाल के लिए रो लो ना। अब यहाँ के हमारे BDC जो DDC जीते हैं हमारे भारत भूषण जी, वो चेयरमैन भी बन गए आज दिन तक, मैं जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना खुद, वो तो अपनी सैलरी के लिए रो रहे हैं। हमारा बोलते हैं हमारा प्रोटोकॉल जो था, हमारा जो प्रोटोकॉल था उसमें तो हमें कुछ नहीं मिला, हम रोड पे आ जाएंगे। भैया तुम रोड पे क्यों आओगे? जब तुम्हारे साथ इन लोगों ने, इतना वाबस्ता लोग थे, उम्मीदें रखी थी लोगों ने कि आपको फिर से ज्यादा वोटों से जिताया BJP को, ठीक है, तो आपने उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में तो पहले बड़ा सोचा आपने, तो आज यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में सोचो ना। आज वो लोग हैं जो बेचारे, जिनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए, जिनको रास्ते नहीं है, जो उनके एसेंशियल्स नीड्स हैं, उनके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचिए। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप रोड में मत जाइए, उससे आपकी ही बदनामी होगी, उससे क्या होता है कि आपका ही मायार गिरेगा, ठीक है ना। तो मेरी उनसे यही अपील है कि आप दोबारा आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जैसे जाते हो लोगों के लिए जाएं, अपने लिए मत जाएं आप जी। लास्टली मैं आपसे एक क्वेश्चन जानूंगा, एज ए आपकी पार्टी की तरफ से स्टेटहुड के लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए फिर वही बात आ गई स्टेटहुड की। देखो स्टेटहुड का क्या मतलब होता है? स्टेट का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है वो, ठीक है ना। और स्टेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी कैबिनेट रहेगी, जब आपकी असेंबली रहेगी, जब आपके MLA रहेंगे, जब आपके MLC रहेंगे, जब आपकी पूरी असेंबली बैठेगी तो आपके काम चलेंगे। जब आपकी असेंबली नहीं होगी, जब आपके MLA नहीं होंगे, वो काम कैसे कर पाएंगे? तो मैं तो ये मतलब मैं अपने फिर से बचा रखना चाहता हूँ कि दोबारा हमें स्टेट मिलनी चाहिए। स्टेट का बहुत फायदा है। आज अगर हम कोई भी अगर रिक्वायरमेंट बोर्ड है हमारा, वो खत्म हो गया, क्योंकि स्टेट का एक अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो स्टेट लेवल पे ही होती है। आज जो भी नोटिफिकेशन होगी वो UT के लेवल में होगी। आज वहाँ पंजाब के लोग भी आ जाएंगे, हिमाचल के भी आ जाएंगे, दिल्ली के भी आ जाएंगे, उड़ीसा के भी आ जाएंगे। तो हमारे बच्चों का जो आने वाला फ्यूचर है वो मैं कहता हूँ कि बहुत डार्क है। क्यों? क्योंकि अब हमें इंडिया लेवल पे उसके लिए एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। तो मेरी यही अपील है, आज सुनते रहते हैं हम भी कि स्टेट वापस आएगी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अमित शाह जी ने भी कहा है, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं उनको, जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी कहती है कि हम दोबारा स्टेट जम्मू कश्मीर को मतलब दर्जा देंगे उसका स्टेट का। ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। स्टेट अगर हमें मिल जाए वो तो हमारे लिए भी अच्छी है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए अच्छी है, हमारे लोगों के लिए अच्छी है। क्योंकि मैं आपको यही फिर से कहना चाहता हूँ कि जब थ्री टायर सिस्टम इन्होंने तैयार किया तो लोग बहुत खुश थे कि जब एक सरपंच बना, फिर उसके बाद आपका BDC बना, फिर आपके DDC आ गए, तो वो देख के तो वो लोग भी रोड पे बैठ जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगी UT भी?
फिर तो यूटी भी खतरे में है, ठीक है ना। तो और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो। पहले तो मैं आपको, अच्छा लगा आपसे बात करके इकबाल जी, और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों के कामों को आगे लेके जाएं और उनके लिए काम करें। और जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आज जहाँ पे इकबाल जी से बात की, जो उन्होंने अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को पार्टी को ज्वाइन किया था, और आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जेके फर्स्ट न्यूज़।